हे गाइस, द जैकफ्रूट सेज हाय टू एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि कार्बन का स्टॉक सिंबल किस तरीके से लिखा जाता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है। उसके बाद देखा हमने कि कार्बन किस तरीके से बॉन्डिंग करता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाना प्रेफर करता है, आयनिक बॉन्ड्स बनाना प्रेफर नहीं करता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कार्बन किस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाता है। कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देखा हमने, H2O2, N2CH4 एटसेट्रा। तो चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलोट्रॉप्स की डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। एलोट्रॉप्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? सो एलोट्रॉप्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन है, दे आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैविंग द सेम फिजिकल स्टेट in which an element can exist. तो एक एलिमेंट जितने फिजिकल स्टेट्स में नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं उस एलिमेंट का। सो एलोट्रॉप्स आर बेसिकली द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। तो हम ये भी लिख लेते हैं, allotropes are different physical forms of an element. एक एलिमेंट के ये अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स होते हैं। तो अब हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स जो मेनली डिस्कस किए जाते हैं, दे आर जो कार्बन के एलोट्रॉप्स डिस्कस किए जाते हैं, दे आर ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन्स, चारकोल, ग्राफीन एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। कार्बन के इन एलोट्रॉप्स को ज्यादातर जाना जाता है। तो हमको एलोट्रॉप्स में कार्बन के ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन्स को डिस्कस करना है। ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन्स नेचुरली कैसे एग्जिस्ट करते हैं और वो कैसे दिखते हैं वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डायमंड, फुलरीन और जो ग्रेफाइट है वो किस तरीके से दिखते हैं। सो यही तीन ऐसे एलोट्रॉप्स हैं जिनको हमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट की बात करेंगे। ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रॉप है जो कि बहुत यूजफुल एलोट्रॉप है कार्बन का। सबसे पहले ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एवरी कार्बन इज कनेक्टेड टू थ्री डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो हर कार्बन तीन और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। कार्बन, हम जैसा कि जानते हैं, कार्बन को चार बॉन्ड बनाने होते हैं, पर कार्बन इस केस में सिर्फ तीन डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अभी भी पेयर्ड या किसी के साथ शेयर्ड नहीं है। सो स्ट्रक्चर में इसकी यही खास बात है कि इट हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जो कि किसी के साथ भी बॉन्डेड नहीं है।
अब हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसमें कुछ बातें डिस्कस करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जैसा मैंने आपसे कहा था कि हर एक कार्बन, ये कार्बन एटम है और ये तीन और कार्बन एटम से एक प्लेन में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, क्योंकि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो भी कुछ इसी तरीके से बना होता है। हेक्सागोनल शेप्स होते हैं और हर हर एटम और उसके हेक्सागोनल शेप होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि एक एटम तीन दूसरे एटम से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है जिसमें हर कार्बन एटम तीन और कार्बन एटम से कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स क्रिएट होती चली जाती हैं और इन सारी लेयर्स के बीच में कुछ गैप होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैक ऑफ लेयर। तो कई सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहती है और जो एक लेयर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती होगी। सो हर कार्बन एटम तीन और कार्बन एटम से कनेक्टेड है, जिस वजह से हर कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो किसी भी एटम से बॉन्डेड नहीं है। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कार्बन जो ग्रेफाइट है उसकी कई सारी लेयर्स हैं और उस ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में 335 पिकोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। पिकोमीटर्स का मतलब होता है, पिकोमीटर स्टैंड्स फॉर 10^-12 मीटर्स। ओके, तो दो लेयर्स के बीच में 10^-12 मीटर्स का डिस्टेंस, 335 पिकोमीटर्स का डिस्टेंस होता है और जो दो कार्बन एटम्स होते हैं उसके बीच में 142 पिकोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि इनके लेयर्स के बीच में काफी डिस्टेंस होता है और जो दो लेयर्स के बीच की बॉन्डिंग है वो भी काफी अच्छी नहीं होती है, जिसके वजह से ग्रेफाइट काफी सॉफ्ट नेचर का होता है और वो आसानी से टूट जाता है। ओके, तो ये रहा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर कार्बन तीन अलग कार्बन एटम से कनेक्टेड है और उन सारी लेयर्स के बीच में काफी गैप होता है। ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे से वैंडर वॉल फोर्सेस से जुड़ी रहती है। वैंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं ये आपको हायर क्लासेस में सीखना है, अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखेंगे कि ये लेयर्स एक दूसरे से वैंडर वॉल फोर्सेस के वजह से जुड़ी हुई हैं। ओके, अब ग्रेफाइट के हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है दैट इज ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसके वजह से ग्रेफाइट को बहुत बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज किया जाता है जहां पे कंडक्शन की जरूरत होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। सो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। सो दो ये प्रॉपर्टीज हैं ग्रेफाइट की और इसी वजह से जो ग्रेफाइट के यूजेस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूज है दैट इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन बैटरीज। अगर आपने किसी बैटरी को तोड़ के अंदर से देखा हो तो उसमें एक कार्बन की रॉड सी लगी रहती है, वो एक्चुअली में ग्रेफाइट होता है। सिमिलरली इट इज यूज्ड इन एज इलेक्ट्रोड्स इन सेकेंडरी स्टील फर्नेसेस। सेकेंडरी स्टील फर्नेसेस का मतलब होता है वो फर्नेसेस जहां पे स्क्रैप स्टील को, जो भी इस्तेमाल किया हुआ स्टील है उसको पिघला के नया स्टील बनाया जाता है। एक यूज और है जिसको हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं दैट इट इज यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट, ऑफ कोर्स इन द पाउडर्ड फॉर्म। तो हम ग्रेफाइट को सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। कई ऐसी मशीन्स होती हैं जिसमें हम लिक्विड लुब्रिकेंट्स यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम सॉलिड लुब्रिकेंट के फॉर्म में ग्रेफाइट को यूज करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम डायमंड की बात करते हैं। सो जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, डायमंड के स्ट्रक्चर में कुछ खास बातें हम देख लेते हैं कि एवरी
कार्बन इज कनेक्टेड टू फोर डिफरेंट कार्बन एटम्स. तो हर कार्बन एटम चार और कार्बन एटम से टेट्राहीड्रली कनेक्टेड है. टेट्राहीड्रली ओके, यानी अगर यहां पे एक कार्बन एटम है तो ये स्पेस में तीन और कार्बन एटम से कनेक्टेड रहता है, और इन जो ये जो चार कार्बन एटम्स के वजह से बॉन्ड्स बन रहे हैं, इन बॉन्ड्स के बीच में जो इन बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल होता है, दैट एंगल इज 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स. ओके, तो जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, जिसमें ये जो डायमंड का एक एटम है वो चार और एटम से टेट्राहीड्रली कनेक्टेड है स्पेस में. तो इस तरीके से एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर डायमंड का होता है, जिसमें हर कार्बन एटम चार और कार्बन एटम से कनेक्टेड रहेगा. जैसे कि हम देख सकते हैं कि हर कार्बन एटम में यहाँ पे चार बॉन्ड्स बना रखे हैं, जिस वजह से कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और ये कंडक्ट नहीं कर सकता. ग्रेफाइट में हमने देखा था कि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है, जो इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, इसीलिए ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ओके, जैसा मैंने आपको बताया इन बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है, दैट इज 109 डिग्रीज एंड 28 मिनट्स, विच कैन बी रेफरली स्टेटेड एज 109.5 डिग्रीज. ओके, तो अब हम डायमंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. डायमंड की प्रॉपर्टी के बारे में, डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस. इट इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस. ओके, सो डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन जो है उसका एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए ये एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. ओके, इट हैज गॉट ब्रिलियंस. ब्रिलियंस यानी कि चमक, ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये अंधेरे में भी काफी चमकता है. और अगर हम यूजेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो डायमंड का है वो है कि इट इज यूज्ड एज कटिंग टूल. तो जैसा कि हमने देखा था कि ये एक बहुत हार्ड सब्सटेंस है, इसलिए इसको कटिंग के लिए यूज किया जाता है. यूज्ड एज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. ओके, दिस इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स. तो ज्वेलरीज बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. तो डायमंड के ये कुछ यूजेस हैं जिसको हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं. तो आइए आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट इज बकमिंस्टर फुलेरीन. बकमिंस्टर फुलेरीन जो कार्बन का एलोट्रॉप है, वो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट के नाम पे रखा गया है. उन आर्किटेक्ट का नाम था बकमिंस्टर फुलर. यस, आपने सही सुना, ये एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे. इनका एक्चुअली में केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था. तो जो बकमिंस्टर फुलेरीन में कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, वैसा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरली बकमिंस्टर फुलर ने सबसे पहले डिजाइन किया गया था,
उसलिए जब ये मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हुई तो इसको बकमिंस्टर फुलर के नाम पे ट्रिब्यूट किया गया. सो ही वॉज एन अमेरिकन आर्किटेक्ट जिनके नाम पे बकमिंस्टर फुलरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें करते हैं. बकमिंस्टर फुलरीन के स्ट्रक्चर में कार्बन की 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, जिसमें हर कार्बन 3 और कार्बन से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है. सो दिस इज अ 5 मेंबर्ड रिंग. हम देख सकते हैं इसके 5 ब्रांचेस हैं, सो बॉन्ड्स हैं जो, तो इसको हम एक 5 मेंबर्ड रिंग कह सकते हैं. और ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है इसको 5-6 मेंबर्ड रिंग कवर करके रखती हैं. और इसी को अगर हम स्प्रेड करते चले जाएं तो हमें एक बॉल टाइप का, एक फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है. उस फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर इज फॉर C60 मॉलिक्यूल. C60 मॉलिक्यूल जो है वो एक बकमिंस्टर फुलरीन है. उस C60 मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स होते हैं और जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. एक पेंटागनल रिंग होती है, उस पेंटागनल रिंग को 5 हेक्सागनल रिंग्स कवर करके रखती हैं. और ये जब स्पेस में स्प्रेड होते हैं तो ये एक फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इस फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर में 20 हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं. ओके, तो आइए देखते हैं किसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसा दिखता है. ओके, तो बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 4 और ये 5. और फिर हम देख सकते हैं किस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग को कुछ हेक्सागनल रिंग्स ने कवर कर रखा है. तो ये एक हेक्सागनल रिंग हो गई और ऐसी 5 हेक्सागनल रिंग्स इसको सराउंड करके रखती हैं. ओके, और ये एक पेंटागनल रिंग है जो बीच में है. तो अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास करीब 12 पेंटागनल रिंग्स होती हैं और 20 हेक्सागनल रिंग्स होती हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बकमिंस्टर फुलरीन है वो, जिसको हम बकी बॉल्स भी कहते हैं, उसके भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं. द मोस्ट फेमस वन इज एक्चुअली C60. ये कई और फॉर्म्स में भी होता है, जैसे C40, C50 एटसेट्रा. यहाँ पे जो हम ये देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नैनोट्यूब. ये आजकल बहुत ज्यादा डिस्कशन का टॉपिक रहता है, नैनोट्यूब, या जिसको हम कार्बन फाइबर भी कहते हैं. दिस इज अ वेरी हाई स्ट्रेंथ बिल्डिंग मटेरियल जो कि मेडिसिन में भी कई बार यूज किया जाता है. सो दिस इज ऑफ वेरी गुड यूज. नैनोट्यूब्स के फॉर्म में, ये कार्बन फाइबर के फॉर्म में हाई स्ट्रेंथ बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है. ओके, तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन इज दिस इज अ वेरी हाई स्ट्रेंथ मटीरियल. हाई स्ट्रेंथ मटीरियल, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस इज वेरी लाइट इन वेट. तो ये बहुत लाइट है वेट में. दिस इज एक्सट्रीमली ड्यूरेबल एंड इट हैज गॉट वेरी हाई स्ट्रेंथ. अगर हम यूजर्स की बात करें तो ये यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, यानी ये कई चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली जहां पे हमें बहुत हाई स्ट्रेंथ की जरूरत है. तो ये स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है, ये बहुत महंगी कार्स जैसे ऑडी R8 और फेरारी, इन सब को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. और उसके साथ ही जो बकमिंस्टर फुलरीन है, दैट इज आल्सो यूज्ड टू मेक मेडिसिंस. सो दिस इज आल्सो यूज्ड टू मेक मेडिसिंस. ओके, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि C60 मॉलिक्यूल के अलावा
हमें C50 C40 मॉलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं। इसी बकमिंस्टर फ्लोरीन का ही एक टाइप होता है, नैनो ट्यूब्स एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ पे तीन एलोट्रॉप्स को डिटेल में डिस्कस किया है। सबसे पहला ट्रॉप एलोट्रॉप ग्रेफाइट, फिर डायमंड और फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।